गुड मॉर्निंग है जी सबको। अभी सुबह के यहाँ पर 6 बजने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट रहते हैं। और आज का जो व्लॉग होगा मैं आपको अपना डेली सुबह का दिखाऊंगा और पूरी मैं जॉब का दिखाऊंगा। मैं जॉब पर जा रहा हूँ इस टाइम, तो मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट है। रात को सोया भी लेट था यार। सबसे मुझे मॉर्निंग की शिफ्ट ना यार सबसे बेकार लगती है, क्योंकि जो आदत है ना वो इंडिया वाली यहाँ पर भी नहीं जाती। वहाँ पे भी देखो रात को लेट सोते थे, तो यहाँ भी ऐसा ही सीन चल रहा है। अब रात को मैं 12-12:30 के आसपास सोया था, फिर उसके बाद क्या हुआ, सुबह 4:15 बजे उठना पड़ जाता है। तो मॉर्निंग शिफ्ट का ये सीन है, ये शिफ्ट स्टार्ट कुछ कंपनीज में जो शिफ्ट होती है ये वाली, ये 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, कुछ में 7 बजे होती है, वो डिपेंड करता है। जहाँ मैंने एक ब्लॉग बनाया था एक बार सॉस फैक्ट्री का, वहाँ पे मैं काम करता था, तो जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी वहाँ पे 6 बजे स्टार्ट हो जाती थी। तो 6 से जो टाइमिंग होती थी 4 बजे तक 10 घंटे की शिफ्ट होती थी, कई बार 8 घंटे की, वो डिपेंड करता है। तो मुझे मॉर्निंग की शिफ्ट यार सबसे बेकार लगती है। पर अभी यहाँ पर बस की वेट हो रही है, बस आ चुकी है ऑलमोस्ट, तो अभी हम बस चलते हैं। पहले जैसा देख ही लिया, मैं आपसे बात ही कर रहा था कि साथ के साथ बस आ गई। यहाँ पर ये है कि बसें और जो ट्रेन होती है ना वो बिल्कुल एक्चुअली लेट नहीं होती, बिल्कुल 2 मिनट पहले आ जाएगी टाइम से। बहुत रेयर चांस होता है कि बस से लेट हो, तो बिल्कुल मैं टाइम पर था। अगर मैं 1-2 मिनट और लेट हो जाता ना तो वो जो बस खड़ी है वहाँ पर तो मिस हो जाती। अब यहाँ से ये सब इन्होंने बसें चेंज करनी है जो खड़े हैं, सभी जॉब वाले होते हैं मोस्टली, इतनी सुबह कोई ट्रैवल नहीं करता, तो सबकी शिफ्ट होती है, वो सभी काम करते हैं। तो अभी बस की वेट हो रही है, एक बस आएगी। जो मैं वेयर हाउस में जा रहा हूँ वो यहाँ से 30 मिनट्स लगते हैं बाय बस, तो वो अलग वेयर हाउस है। पहले मैंने किसी और वेयर हाउस में जॉब की थी, तो यहाँ पर अलग अलग एजेंसीज़ हैं, अलग अलग काफ़ी सारे वेयर हाउस हैं, तो आपको जहाँ पर वो भेजते हैं तो वहाँ पर जाना होता है। आप उनको बोल नहीं सकते कि मुझे वहाँ पर काम नहीं करना। तो मैं आपको थोड़ा सा वेयर हाउस का दिखाऊंगा, बाकी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट है। मैं आपको मिलवाऊंगा कुछ इंडियन स्टूडेंट से, वहाँ पर जॉब करते हैं। मैंने बहुत सारे देखे वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट, तो हमारे बूस्टर में कम थे, तो इस बार मैं आपको मिलवाऊंगा। अभी कुछ ही देर में ये बस आ जाएगी, तो यहाँ पर ही आएगी जो स्टॉप मैंने आपको इधर दिखाया है। फाइनली गाइस मैं बस में बैठ गया था, बस अभी स्टार्ट हो चल चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर जो वेयर हाउस में हम जा रहे हैं तो काफ़ी इंडियन स्टूडेंट काम करते हैं, तो अभी मुझे सिर्फ 2-3 मिनट हुए एक इंडियन स्टूडेंट मिला है, तो मेरे साथ ही बैठे हैं, हम साथ में बैठे हैं। तो अभी मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, या किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, तो मास्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो फाइन लग सकता है, क्योंकि अभी मास्क वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं हटी है, वो 1 जून-1 जुलाई में जाकर होगा, पता लगेगा। तो आप अपना नेम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम अर्जुन है। एक बार फिर से बोलिए। मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन मैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। ठीक है। और सुबह की मेरी शिफ्ट है जॉब की, अनीत भाई मिल गया मुझे, मैं सब साथ ही जाएंगे। अभी आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया यूके में आए? मुझे लगभग 1.5 महीना हो गया। तो आप अभी आए हो ना? अभी हाँ, मैं अभी आया हूँ। अभी मेरे साथ एक और लड़का मिल गया यहाँ पर, तो ये यश है, तो आप इसको जानते होंगे, तो अभी बैठिए भाई। तो गाइस जॉब पे जा रहा था मैं, जॉब पे जा रहा था ना, मैंने ब्लॉग बनाना था आज, तो आप भी आ गए। ये देखो मैंने आपको जैसे बताया ना यहाँ पर बहुत इंडियन स्टूडेंट काम करते हैं, तो यश भी मिला है, बहुत सारे काम करते हैं, तो अभी ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
30 मिनट्स लगे हमें, अभी हम पहुंच चुके हैं सिर्फ यहाँ से। 45 मिनट्स का रास्ता है देखा जाए तो। यार वैसे तो एक घंटा लग जाता है, ये 45 बोल रहा है, मैं एक घंटा बोल देता हूँ। घर से तो हम निकले, ये घर से निकलने से जॉब तक जा पहुंचने में एक घंटा लग जाता है, तो ट्रैवलिंग में हमारे ट्रैवलिंग में 2 घंटे चले जाते हैं। तो बिल्कुल बस पास बनवाओ, महीने का बन जाता है सिर्फ 33.40 लगते हैं, इतना ही लगता है। बस पास तभी बनवाना है जब आपके पास टाइम की कमी ना हो। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपको मतलब और भी कुछ काम वगैरह होते हैं, कुछ भी होता है, अगर मतलब फॉर एग्जांपल बाय चांस कभी कुछ असाइनमेंट वर्क होता है, कुछ भी होता है, तभी तब बस पास मत बनवाना, क्योंकि बस में हमारा 1-1.5 घंटा लग जाता है एक साइड का, क्योंकि वॉकिंग वगैरह भी कहीं कहीं से दूर दूर भी होती है। लेकिन अगर आपको जल्दी पहुंचना ना, खाली 15 मिनट के अंदर घर पहुंचना, अगर आपको एंट्री में रहते हो, लेस्टर में रहते हो, तो 20 मिनट में अगर आपको घर पहुंचना है, तो गाड़ी वाले मैक्सिमम 6 पाउंड लेते हैं हेलो फ्रेश का, और रेंज वगैरह का 8 पाउंड लगता है, और हेलो फ्रेश का तो 5 या 6 पाउंड लगता है, और MDA है एक, वहाँ पे 10 पाउंड लगता है। मतलब चलो ये बहुत सारी कंपनीज है, आपने इनके नाम अभी सुने नहीं होंगे, जब आप यहाँ पर आओगे तो पता लगेगा। तो अभी हम रोड क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप देख सकते हो गाड़ियाँ आ रही हैं। तो ये DPD कंपनी जो आपने अभी वैन देखी है ना, जैसे DHL है, जैसे DHL है, तो इनका भी वही काम है DPD वालों का। वो बंदे तो दिखाओ कितने सारे लोग जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो गाइस, ये सभी इम्प्लॉयज हैं यहाँ पर, जितने भी काम करते हैं, शिफ्ट वगैरह होती है, तो इनकी मॉर्निंग शिफ्ट नाइट शिफ्ट थी है ना इनकी? नहीं, इनकी मॉर्निंग शिफ्ट है, ये वापसी जा रहे हैं, और जो यहाँ से आते हुए जो दिख रहे हैं वो सब उनकी नाइट शिफ्ट थी। तो यहाँ पर ना 24 आवर, ये देखो इधर अपने स्टूडेंट हैं, ये भी सब जॉब से आ रहे हैं। तो यहाँ पर ना मोस्टली जितने स्टूडेंट हैं सभी यहाँ पर आपको मिलेंगे, अभी हम अंदर जाएंगे, और यहाँ पर 24 घंटे काम चलता है इस वेयर हाउस में। तो बहुत ही बढ़िया वेयर हाउस है, काफ़ी स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट मिली है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बारे में आपको मैं फिर कभी बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि अभी 2011 की कंपनी है, बर्लिन में ऑफिस है। तो 14 देशों में इनकी वेयर हाउस है इनके, तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। से दिखता है वो देखो जो एक क्या काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा अंदर ट्राई करूँगा रिकॉर्ड करने का, आपको बताऊँगा। तो अभी हम इसके बाद हमारा यहाँ पर कोविड का थोड़ा सा टेम्परेचर चेक हो गया, अभी हम ग्रीन सिग्नल है तो निकल लेते हैं, नहीं तो गाड़ियाँ आपको पता है ये किसी की वेट नहीं करेंगी, तो चढ़ा देंगे ऊपर ही, और ऊपर से हमें फाइन देना पड़ेगा उनकी गाड़ी को कुछ हुआ तो। और अगर फुटपाथ पे हम है तो हम सेफ है, अगर इन्होंने हमें कुछ करा तो इन्हें हमें देना पड़ेगा। बिल्कुल, अब वेदर आपको यहाँ का पता ही है, बारिश वाला बना हुआ है, हर टाइम ऐसे ही रहता है। अभी नेक्स्ट 7 to 10 days बारिश बता रहा है, बीच बीच में धूप निकलती है, बहुत रेयर। हम अंदर एक्चुअली एंट्री कर चुके हैं, यहाँ पर आपको पता है बाहर लाइन लगी हुई थी, तो मेरा और यश का इन्होंने लाइन से, हम अभी फ्री हुए हैं, बहुत ज्यादा रश था, बहुत देर लग गई, 15-20 मिनट लग गए भाई। तो टेम्परेचर या यश, तो अभी एक और स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे? वाओ, तो देखो मैंने जैसे बोला था, थैंक यू। मेरे को यश को जानते हो, हरवीर। तो अभी मुझे एक और स्टूडेंट मिली है यहाँ पर, तो आप भी यहाँ पर जॉब कर रहे हो? बहुत बढ़िया, आप कहाँ से हो? तो मैं ऐसा बोल रहा था कि अभी टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर चेक करने के बाद हमें इन्होंने टेम्परेचर चेक किया, फिर हमें अंदर जाने दिया, साइन वगैरह हो गए। हाँ मैं आपको इधर दिखाता हूँ, व्यू बहुत अच्छा है। तो बहुत लंबी लाइन थी, अभी और भी क्यू बहुत लंबी है, तो उनको 15-20 मिनट लगेंगे अभी। जो नए आते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज जो जॉब ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे ट्रेनिंग रूम बना हुआ है, यहाँ पे इंडक्शन होता है सभी का, और उधर कैंटीन बनी हुई है, कैंटीन में सब अपना खाने पीने का। अच्छा मैंने आपको यश का नहीं बताया, यश आप बताओ कौन सा कोर्स कर रहे हो? मेरा कोर्स है भाई बैचलर्स इन मतलब BEngin मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, और बस अभी आया है ना फ्रेश अपने। तो कोर्स तो इसका बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग वाला है, हम तो आपको पता है बिजनेस स्टडी वाले हैं। अभी फर्स्ट ईयर है मेरा वैसे। नहीं बहुत बढ़िया चलेगा, अभी तो अभी सेकंड ईयर में जस्ट एंटर होगा, अभी छुट्टियां चल रही हैं सितंबर के अंदर एंटर। ये भाई इंजीनियर बंदे, आप कहाँ से? इंडिया से? इंडिया में, दिल्ली से। आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया?
मुझे यहाँ पे पता है, मैं आया था नवंबर के अंदर। अच्छा, नवंबर 2020 में आया था। वैसे मेरा कोर्स जो स्टार्ट हुआ था वो सितंबर 2020 में हुआ था। तो अभी 6-7 महीने हुई है ना आपको? वही 5-6 महीने, ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो गया मुझे। आपको कितना टाइम हो गया? 1 साल तो हो गया ना? हाँ मेरे को हो गया। बाकी मैं आपको, और भी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, कैंटीन में हूँ तो मेरे साथ अभी यहाँ पर राजदीप जी बैठे हुए हैं, तो ये अपने पंजाबी भाई है। हेलो हेलो हेलो। तो राजदीप, आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ हाँ मैं बोल लेता। आप कहाँ से? इंडिया से। मैं नांदेड़ से हूँ, महाराष्ट्र। ठीक है, आप भी इधर कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में? मैं कोवेंट्री में तो नहीं हूँ, बट मेरी यूनिवर्सिटी लीड्स बैकेट है, लीड्स में। ठीक है, देखो लीड्स में यहाँ से दूर है काफ़ी, पर बात रहे क्या है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, तो आप कहीं भी रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है तो बंदा कहता है कि हम वहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर रहे हो, कितना टाइम हो गया आपके यहाँ पे जॉब? मैं यहाँ जनवरी से कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ, और यहाँ पे कैसे वेयर हाउस वगैरह में जॉब वगैरह आसानी से मिल जाती है। ठीक है, तो कोर्स कौन सा आपका यहाँ? मेरा MSc इन मैनेजमेंट। MSc इन मैनेजमेंट, तो इसकी भी मास्टर डिग्री, अपनी भी मास्टर डिग्री है, बिजनेस कोर्स ही है। ठीक है, और भी मेरे साथ स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कैंटीन का। राजदीप ने भी यहाँ पर, आपने क्या पिया अभी? कॉफ़ी। मैंने कॉफ़ी लाते। तो मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर कॉफ़ी, सूप, सब कुछ है, हॉट चॉकलेट वगैरह। मैं चाय थोड़ी मिलती है, चाय भी मिलती है यार, मैं पिलाता हूँ आपको। अच्छा, ग्रीन टी होती है ना? नहीं, नॉर्मल चाय अपनी इंडिया वाली है। इंडिया भाई मजाक कर रहे हैं, इंडिया वाली मिलती है, मैं दिखाऊं, लेकिन थोड़ी वो होती है, मतलब वैसा वो स्वाद नहीं होता, लेकिन मिलती है।